जब आप पुण्य कर्म करते हो, पुण्यात्मा बोलते हैं ना, कोई धरती पर पुण्यात्मा होता है तो उसको परब्रह्म का मेड किया जाता है। इस प्रकार के दो मेड आपके एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड हमेशा एक रहता है, तो अभी भी आपके आसपास है। तो हर एक पल हर एक सेकंड का नोट करते हैं, जो राइट की तरफ है वो जो अच्छे कर्म करते हो उसका लिखा करता है, और जो लेफ्ट साइड की तरफ जो है जो आपके जो पाप कर्म होते हैं उनका रिकॉर्ड रखता है। जैसी आत्मा इस शरीर को त्यागती है उसके बाद जो मेड होते हैं सारा हिसाब किताब लेके उस आत्म ज्योति को लेके ब्रह्म में या ब्रह्म के पास जाते हैं। कर्म का वास्तविक अर्थ क्या है? एक्शन। कोई ऐसे ही कोई एक्शन नहीं करता है, कोई कर्म नहीं करता है। पहले जो बात को माइंड में आती है, माइंड में आने के बाद उस पर विचार होता है, विचार करने के बाद शरीर की तरफ संवेदना आ जाती है कि तुम्हें ये करना है। शरीर ओनली फिजिकल फॉर्म, उसका हैंडल करने वाला दिमाग है, ब्रेन, विचार, माइंड, वो उसको कंट्रोल करता है। जैसे हमें कुछ बोलना है तो मुख की तरफ संवेदना ही जाती है कि तुम्हें ये बोलना है, बोलो। कुछ करना है कि तो हाथ की तरफ संवेदना ही जाती है कि तुम्हें ये करना है, ये करो। हैंडल तो अपना ब्रेन करता है, माइंड करता है सबको। तो वास्तविक कर्मा का अर्थ सारी थी मुझे चीजें है, माइंड, ब्रेन, विचार, सारे एक ही अंडर रहते हैं, इसमें कोई अलग अलग नहीं है। कर्म होता है उसके पीछे माइंड ब्रेन होता है, जिसके माध्यम से होता है वो शरीर होता है, इनको अलग नहीं है। कर्मा का मतलब कर्म, उसमें माइंड भी है शामिल है, ब्रेन भी है और ये शरीर भी है, अलग अलग प्रयोजन नहीं है। आपके राइट की तरफ और एक लेफ्ट की तरफ जो मेड है ब्रह्म का, इस ब्रह्मांड में इस भूमि में पुण्यात्मा होते हैं, महात्मा होते हैं, बोलते ना कि ये पुण्यात्मा है, ये महात्मा है, उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, उन्होंने अपने सारे जीवन में अपना सारा जीवन ब्रह्म के ध्यान में उसके चरणों में समर्पित किया है। वही लोगों का हिसाब, कर्मों का हिसाब जब होता है तो उनको मेड किया जाता है, वो यही से होते हैं। और हर एक व्यक्ति के लिए दो मेड ब्रह्म के हैं, जो आपके सत्कर्म कुछ का हिसाब हमेशा रखते हैं और वो ब्रह्म से कनेक्टेड है। जैसे आप, जैसे आपकी आत्मा भी माया जगत में फंसी है, जब आत्मज्ञान के बाद जो ब्रह्म से कनेक्टेड हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है, किसी की जरूरत नहीं होती उसके कर्मों का हिसाब, तो वही से होता है, रिकॉर्ड भी वही होता है, क्योंकि सबसे मुक्त हो जाता है माया जगत से। आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति इस माया लोक के, इस भौतिक चीजों के, इस मृत्यु लोक के माया से परे हो जाता है। सबसे पहले हमें समभाव का भाव अपने दिमाग में, अपने दृष्टि में समभाव रखना जरूरी है, बहुत जरूरी है, समान भाव। जब आप किसी को, एक व्यक्ति को टारगेट करके एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, आप प्रीति करते हो, बोलते ना कि प्यार में आता है, तो उसके जो दोष है वो आपको दिखाई नहीं दे, आपको सिर्फ उसके गुण दिखाई दे। जब आप ज्यादा प्रेम करोगे तो किसी व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति को आप शत्रु मानोगे तो उसको सारे दोष ही आपको दिखाई देगा, उसके जो गुण है वो आपको कदापि नहीं दिखाई देगा। जब आप दोनों के लिए समभाव रखते हो, समान भाव, समान दृष्टि रखते हो, तब आप उसको वास्तविक अर्थ से देखते हो, उस
उसका वास्तविक स्वरूप जो है उसमें देखते हैं। इसलिए समान भाव, समान दृष्टि, सबको इक्वल समझना बहुत जरूरी होता है। और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए पहला चरण है कि सबके लिए समान भाव होना चाहिए। यदि आप किसी से ज्यादा प्यार करोगे तो उसके अवगुण नहीं दिखेंगे, अगर किसी को शत्रु मानोगे तो उसके गुण नहीं दिखेंगे। इसलिए जब आपकी दृष्टि में समानता होगी, जब अपनी दृष्टि में इक्वलता होगी, तब आपको उस वास्तविक रूप में आपको वो दिखाई देगा। और आत्मज्ञान की प्राप्ति का ही पहला चरण, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सारे लोग सुखी होंगे तो अपने आप तुम भी सुखी हो जाओगे।